नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। कल मतदान के बाद कुछ स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की सील तोड़ने के आरोप लगाते हुए घंटों हंगामा किया। ऐसा ही एक हंगामा पंचकुला से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र मोहन वे उनके समर्थकों ने पंचकुला के गवर्नमेंट पुलिस के स्ट्रांग रूम के बाहर किया, जहां उनका आरोप था कि मशीनों की सील तोड़ी गई है, जबकि अधिकारियों ने ईवीएम की सील तोड़ने का खंडन किया है। आप सभी देखें इस हंगामे की वीडियो, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बड़े बेटे चंद्र मोहन वे उनके समर्थक अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। अभी अभी सील लगाई, अभी लगा रहे हैं, हम जो बची है हमारे पास वो लिफाफे सेटिंग कर रहे हैं। ये आपको वहां से सील करके लानी चाहिए भाई, सर सील तो ऑलरेडी सील तो मेन यार ये लगाओ, वहां सील होना चाहिए, यहां सील होना चाहिए सर, मेन चीज ये है। सील करके लाना चाहिए जानकारी ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग लेके ये पंचकुला से आधा कानून है ये अंधा रोटी से खोली हमने ये अरे आपने बात की है ये हमारे बस ठीक है लाला जी इधर लाओ। और ये मेरा वोट है, मेरी मशीनें अंदर है, मेरा ये भैया क्या हुआ बताएंगे भाई साहब। हमारे को मैसेज आया, हम पहले अंदर थे, हमारे को धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने 22 मशीनें इन्होंने जो गांव की थी, जहाँ से हम लीड कर रहे, शहर में भी हम लीड कर रहे, कॉलोनियों में लीड कर रहे, 22 मशीनें इन्होंने फाड़ दी, खोल दी सीले, सारे 22 मशीनों के सीले काटी हुई इन्होंने, मतलब हेराफेरी की जा रही है पूरी 2000% धांधली, क्योंकि ये 75 बार का नारा दे रहे हैं, ये 25 बार भी नहीं है, 25 बार भी नहीं है, ये अब नारा दे रहे हैं और मीडिया दिखा रहा है। क्या नाम है? मेरा मनोज अग्रवाल है। अंदर कौन कौन है? अभी कौन अंदर गए हैं? और हमारे कागज में धक्के देके बाहर भी निकाला जा रहा है और वोट बुला के ली गई है, इनको मारेंगे। ट्रॉली वोटें दी गई है, उसकी वीडियो मेरे पास लाइव है, अगर कोई पत्रकार ट्रॉली वोटें मेरे पास पड़ी है इनकी, दो कैंडिडेट हैं इनके, लाइव पकड़े हैं, पुलिस की धक्काशाही हो रही है पूरी।